फाइनली गाइस आ चुके हैं एक और न्यू ताबड़तोड़ गेम प्ले के साथ। तो आज के गेम में भाई साहब चिकन डिनर के साथ सर बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली है, क्योंकि भाई ने तुम्हारे किए हैं भाई साहब चिकन पे चिकन और भाई बंदों को क्या है दौड़ा दौड़ा के मारा है। तो फिलहाल उतर चुके हैं हॉट ड्रॉप पे, तो फटाफट गनमन पकड़ने की तलाश में निकलते हैं और इतने में ही देखो गलत सीन हो जाते हैं चालू। सर गाइस एक बंदे को नॉक किया और गाइस दोनों का नहीं मेरी लग गई रिलोडिंग पे, लेकिन मेरी टीममेट ने यहाँ पर भाई मेरे को बचा लिया और गाइस फटाफट मैं रिवाइव लेता हूँ और रिवाइव लेने के बाद में भाई गुस्सा और बढ़ चुका था, क्योंकि यार बंदे बहुत आए थे और मैं उतरती नॉक हो गया। तो समझ सकते हो ना बेइज्जती में मजा आए, लेकिन इसमें किल का घाटा हो रहा है। तो फटाफट रिवाइव होते हैं और पकड़ के बंदे रगड़ेंगे। सर गाइस मैंने दो बंदे नॉक कर दिए गाइस, लेकिन एक बंदा घर से और एक बंदा पीछे से उनके कवर दे रहा था, तो जिसके चलते यार मैं ओपनली पुश नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यार ये लोग मेरे पर जरूर पुश कर देते हैं और देखो भाई क्या ही गलत सीन चालू हो जाते हैं। सर गाइस ये वाले सीन के लिए भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दो मेरा भाई यार, और बेल आइकन को कर लेना ऑल पे। तो फटाफट यार मैं यहाँ पर कवर बनाता हूँ, कवर बनाने के बाद में नीचे बंदे और भी आ चुके हैं, आप देखो उनको भी कैसे निपटाता हूँ। तो गाइस चारों तरफ के बंदे मारने के बाद में अब बारी थी जो कैसल के अंदर बैठे हुए थे घर जमा के, तो फटाफट निंजा टेक्निक लगाते हैं और गाइस इन बंदों को स्पॉट करते हैं और देखो आ गई। सर गए नेट फटने के बाद में यार मैं सीधे रश करता हूँ आखिरी बंदे को ढूंढने के लिए। तो भाई साहब आखिरी बंदे को बहुत ढूंढता हूँ, वो तो नहीं मिलता है, लेकिन एक सामान्य आदमी मिलता है, तो उसे मारने के बाद में यार गाइस हॉट ड्रॉप से मैं यहाँ से निकलता हूँ और उसके आगे देखो क्या ही गलत सीन होगा। सर गए हॉट ड्रॉप पे आने के बाद में बहुत देर बंदे ढूंढते हैं, लेकिन भाई बंदे मिलते हैं हमको छोटे वाले हॉट ड्रॉप पे और पूरी स्क्वाड होती है जो कि सामने कैंप करके बैठी होती है। तो भाई मैं निंजा टेक्निक लगाने में एक्सपर्ट हूँ भाई साहब, तो मैं निंजा टेक्निक लगाता हूँ उन बंदों पे बैठ जाता हूँ वेट करने के लिए। तो एक को नॉक करता हूँ, लेकिन इतने में इनका एक बंदा पीछे से भी आ जाता है।
सर गाइस इसे तो मार दिया बहुत ही आसानी के साथ, लेकिन यहाँ मेरी एमओ है गाइस वो देखो 12 बची है। तो भाई यहाँ पर मैं आता हूँ तो बंदे मेरे को फुल स्टॉप देकर के फ्री फायर मारने लगते हैं। मैं अपनी टीममेट से बोलता हूँ राइट सीधा और भाई सब वो सीधी ब्लाइंडली रश कर देती है, तो मेरी एमओ खत्म होती है। मैं फटाफट फॉलो बैक करता हूँ लेकिन यहाँ पर मेरी टीममेट को मैं नहीं बचा पाता हूँ। तो भाई जब उसका बलिदान हो जाता है तो फटाफट इस बंदे की पेटी से मैं गनमैन उठाता हूँ। अब गाइस होगा बहुत ही खतरनाक वाला रिवेंज सीन और गाइस क्या ही गलत तरीके से इन बंदों को मैं मारूंगा। तो भाई देख सकते हो जो मेरी एचपी है वो फूक मारने की भी नहीं बची। तो भाई साहब इस क्लच के लिए तो एक सब्सक्राइब के बटन को दबाना बनता है, दबा दो यार फटाक से बिना टाइम गवाए और बेल आइकन को कर लो ऑल पे। और गाइस कमेंट कर दिया करो यार किस एरिया से और क्या नाम है आपका। तो फिलहाल यहाँ मारने के बाद में गाइस किल भी मेरे 15 हो चुके थे और लूट का भी इंतजाम अच्छा खासा हो गया था। तो पहले हील लगाता हूँ उसके बाद में लूट लाट करके यहाँ से निकलता हूँ। सर गाइस इस बंदों को नॉक करने के बाद मैं फटाक से मैं पीछे आता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी डैमेज हो चुकी थी। तो भाई साहब मैंने समझदारी दिखाते हुए कदम को पीछे बढ़ाया और आगे चल के इन बंदों को पूरा हम ही मारेंगे, लेकिन उससे पहले सेफ्टी पहले। तो फटाफट कवर लेते हैं और देखो कैसे इन बंदों को एक एक करके मारते हैं। सर गाइस इस बंदे को मारने के बाद मैं तुरंत ही फॉलो बैक करता हूँ क्योंकि भाई साहब उनके पास ही उड़न वाली बग्गी और पूरी स्क्वाड, वो कहीं से भी मेरे पर रश कर सकते थे और उनके पास थी MG3 और ग्रोजा जैसी गन। तो भाई मैं बिल्कुल ही चांस लेना नहीं चाहता था, एक अच्छा गेम मेरा खराब हो जाता। तो फटाक से फॉलो बैक करता हूँ, अब देखो बच्चे बंदों को भी कैसे निपटाता हूँ। सर गाइस इसके पास थी MG3, हमारे पास थी AKM। तो MG3 बचती थी AKM, तुम्हारा भाई AKM लेकर के भी जीत गया स्लो मोशन गन के साथ भी। भाई साहब MG3 एक रॉकेट गन है। तो फिलहाल जैसे जैसे बंदों को मारा और ये स्क्वाड होगी पूरी ऑल डेड। अब बंदे बचे थे दो और मैं अकेला, और मेरे पास बर्फीली गन भी नहीं थी। अब भाई साहब वो बंदे बैठे थे स्कूल में, अब मेरे को मारने के लिए दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो मैं कैसे निंजा टेक्निक लगाता हूँ। सर गाइस मैं ये क्या करता हूँ, स्मोक डालता हूँ बहुत दूर राइट में ताकि उनका ध्यान जो है घर की तरफ से पूरा राइट में चला जाए और मैं चुपचाप लेफ्ट से अंदर चला जाऊँ, क्लोज कर जाऊँ। तो भाई जब ये मेरा दिमाग और जो IQ है काम भी करता है तो मैं फटाफट यार लेफ्ट से निकल जाता हूँ। वो बंदे पूरे राइट में बिजी हो चुके थे, तो फिलहाल इसी का फायदा उठाता हूँ, फटाफट निकलता हूँ और देखो मौके का फायदा उठा के कैसे चौका मारता हूँ। तो मेरे भाई यार पहला बाइसिकल का गेम प्ले अपना खत्म होता हुआ, अब चलते हैं गाइस दूसरे गेम प्ले की तरफ। अब ये वाला गेम प्ले मजेदार लगा हो तो तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अब चलेंगे बूम बाम करने दूसरी तरफ। सर गाइस इस गेम में हम उतर चुके हैं फटाफट एज यूजुअल हॉट ड्रॉप पे, फटाफट हम गनमैन पकड़ते हैं और पहले बंदों को पकड़ेंगे फिर बंदों को रगड़ेंगे। तो भाई साहब मेरे पास तो गन नहीं मिली है लेकिन मेरी टीममेट को गन मिली और वो पीली गई। तो फटाफट मैं इधर घूम के आऊँ गन ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे को गन नहीं मिली थी गए तो मैं भाग ही जा रहा था और इतने में देखो गलत सीन हो ही जाता है।
ये बंदे होते हैं काफी ज्यादा दिमाग यूज कर रहे होते हैं, बग्गी उठाते हैं घूम के आ जाते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई अल्ट्रा प्रो दिमाग वाला है, तो फटाफट मैं भी रैली पकड़ता हूँ और इन्हें पता भी नहीं चलता, इनके घूम करके इन्हीं के पीछे आ जाता हूँ और देखो ना कैसे एक एक करके निपटाता हूँ। सर गाइस अपार्टमेंट में आता हूँ, अपार्टमेंट में होता है एक बंदा जो कि नेक्स्ट लेवल का कैंपर होता है, लेकिन तुम्हारा भाई अल्ट्रा प्रो कैंपर था, देखो क्या ही दिमाग लगा के उसको मारा। सर गाइस यूएमपी के आगे डीपीएस नहीं टिकी, मतलब डीपीएस के आगे यूएमपी नहीं टिकी, तो अपना यही था गेम प्ले। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब बाय, जय हिंद जय भारत।